दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे किसी भी पल्ले की चूर आप रंधा मशीन से कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो हमारी लकड़ी है एकदम गुनिया में होनी चाहिए, परफेक्ट एक ही साइज में निकली होनी चाहिए। जैसे 1.25 इंच मोटाई है तो 1.25 इंच ही मोटाई की सभी लकड़ी हमारी निकली होनी चाहिए, तभी आप इसमें निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें एक लकड़ी में बड्डी लगा लेनी है। बड्डी लगाने के बाद में आपको जिस तरह से आप इसकी छिदाई करते हैं चूर की, उसी तरह से ये भी आपको इसकी चूर तैयार मिलेगी, जो कि इस तरह से छोड़ी जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं मशीन से इस तरह से छोड़ी जाती है। जब आप निशान लगा लेंगे, बड्डी लगा लेंगे, तो जिस तरह से आप छिदाई के लिए सेट करते हैं अड्डे को, उसी तरीके से आपको मेन फेस जो है मशीन के अड्डे पर रखना है। उसके बाद आपको मशीन बंद करनी है, आराम से चेक कर लेना है कि हमारी जो बीच वाली चूर बच रही है, निशान कट तो नहीं रहा है। बिल्कुल सेट करने के बाद ही आप इसको अड्डे को लॉक करें। अड्डे को लॉक करने के बाद फिर किसी भी आपको चूर में निशान या बड्डी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप रखते जाएँ, अड्डे टाइट करते जाएँ, बस काटते रहें आराम से। बहुत ही फास्ट काम होता है भैया। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप जब एक साइड की सारी लकड़ी साफ़ कर लेंगे, फिर दूसरी साइड में जब आपको यही काम करना है, फिर आपको दूसरी साइड में जरूर, जिस साइड में आपका निशान नहीं लगा है उधर भी आप यही करें। फिर दोबारा मशीन बंद करके अड्डे को सेट कर लें, फिर आप इसी तरीके साफ़ कर सकें। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा दोनों तरफ का एकदम से साफ़ हो चुका है, परफेक्ट निशान पे। इसी तरह से आपको भी पहले एक तरफ का साफ़ करना, सारी लकड़ियों में एक तरफ का साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अड्डा बदलेंगे, फिर दूसरे फेस को साफ़ करना चालू करेंगे। तो इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। ये हमारे देख लीजिए, हम पहले से इसमें बड्डी लगा के रखे थे, तो आपको बड्डी पहले ही लगा लेना है ताकि आपका जो चूर इधर आउट ना होने पाए, ढील भी ना होनी पाए, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको बड्डी पहले लगा लेना है, फिर आपको क्या करना है इसमें, फिर जो आपको हमारा निशान दिख रहा है, निशान को जो आरी से आपको काट लेना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने ये काटा है, इस तरह से आपको निशान जो है आरी से काट लेना है हमारे चूर तक। काटने के बाद में आपको इसको क्या करना है, या तो आप बसुला से भी छील सकते हैं, अगर नहीं छीलना चाहते हैं बसुला से तो आप ये चौरसी से आराम से छील सकते हैं। चौरसी से आप या तो इस तरह से भी छील सकते हैं या बसुले पे चोट देकर भी छील सकते हैं। परफेक्ट साफ़ कर लेंगे, परफेक्ट साफ़ करेंगे, बहुत ही अच्छी चूर तैयार होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। हमने काफ़ी यूज किया है। तो कृपया अगर आपको हमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो कृपया लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।